कैसे आप सब लोग उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे तो मेरी तरफ से और मेरी फैमिली की तरफ से आप सबको हैप्पी इंडिपेंडेंस डे तो चलिए मुझे बोलने नहीं आ रहा था इसलिए आसिफ ने बोल दिया तो आज मैं बनाने वाली हूँ तिरंगा तंदूरी शायद ही आप लोगों ने इसका नाम सुने हैं क्या नहीं सुने मुझे पता नहीं मगर मैंने सोची कि आज मैं क्या बनाऊँ तो मैं ज्यादा करके चिकन और मटन ही बनाती हूँ तो चलिए मैं बोली मैं तिरंगा तंदूरी बना देती हूँ तो चलिए ये आएगी तीन कलर में कौन से कौन से कलर में ऑरेंज व्हाइट ग्रीन तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं तो यहाँ पे मैंने ली हूँ कम से कम पांच चिकन के लेग पीस मैंने इसे अच्छी तरह से साफ कर ली थी और अच्छी तरह से धो ली लियो धोने के बाद में मैंने इसमें कर्क लगा ली और इसे छन्नी में रख दी थी कि इसका सारा पानी निकल जाना चाहिए इसमें पानी बिल्कुल भी रहना नहीं चाहिए तो चलिए सबसे पहले हम बना लेंगे कौन सी कलर की ऑरेंज वाली ऑरेंज वाली बना लेंगे तो उसके लिए हम लेंगे यहाँ पर दो चम्मच भर के दही है ना तो दही का मैंने पानी निकला हुआ रे, रे, लेना है दही में पानी नहीं रहना चाहिए अभी इसमें डालेंगे हम एक चम्मच और आधा चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट कितना हो गया एक और आधा सिर्फ डेढ़ डेढ़ चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे और आधी नींबू का रस डालेंगे बीज निकाल कर फेंक देंगे और हाथों से नीचो नीचो के उसका रस डाल देंगे अभी इसके अंदर हम डालेंगे कौन सा पाए पाउडर है टेंडर पाउडर है टेंडर पाउडर टेंडर पाउडर से हमारा गोल जल्दी से गल जाएगा गलने के लिए टाइम लगेगा तो ये हम इसमें डालेंगे एक चौथाई अभी इसके अंदर जाएगा तंदूरी मसाला ये होम मेड तंदूरी मसाला है अगर इसकी रेसिपी देखनी है तो इसकी लिंक आपको आई बटन में आ जाएगी आ जाएगी अगर आप रेडीमेड लाना चाहते हैं तो आप कोई भी ब्रांड का तंदूरी मसाला यूज कर सकते हैं तो ये मैंने डाली हूँ तीन चम्मच भर के तंदूरी मसाला अभी इसके अंदर मैं डाल दूंगी फूड कलर तो ये ऑरेंज फूड कलर है है ना तो ये हम थोड़ा सा डालेंगे या यानी एक चौथाई हम इसमें फूड कलर डाल देंगे उसके बाद में इसमें डालेंगे आधा चम्मच ऑयल अभी ऑयल डालने के बाद में हम इसे खूब अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे इसमें और कोई भी सामान नहीं जाएगा बस इतने ही सामान में ये बहुत ही टेस्टी और अच्छी खाने में लगेगी चलिए अभी ये मिक्स करके हो चुका है हाँ मैं नमक डालना भूल गई थी तो मैंने बाद में इसमें नमक ऐड की हूँ तो बाद में आप इसमें थोड़ा सा नमक ऐड कर सकते आधा चम्मच है ना अपने टेस्ट के हिसाब से टेस्ट के हिसाब से आप नमक इसमें डाल देना चलिए अभी हम चिकन इसमें मसाले में डाल देंगे और खूब अच्छी तरह से हाथों से इसे मिक्स करके लगाएंगे इतनी अच्छी तरह से लगाना है कि इसके कट में भी इसका मसाला चला जाना चाहिए ये देखिए सारी तंदूरी चिकन को सारा मसाला रख लग कर हो चुका है अभी हम इसे रख देंगे एक साइड में आधे घंटे के लिए आधे घंटे के लिए भी रख सकते हैं आप एक घंटे के लिए भी रख सकते हैं चलिए अभी हम बना लेंगे व्हाइट वाली बराबर है ना व्हाइट तंदूरी हम बनाएंगे तो यहाँ पे मैं ले ली हूँ दस से बारह काजू काजू के अंदर थोड़ा सा पानी डाल के एक फाइन पेस्ट बनाकर मैंने रेडी कर ली हूँ उसे हम एक प्लेट में डाल देंगे अभी हम क्या डालेंगे देखिए सारा डालना है वेस्ट कुछ भी नहीं करना है अभी हम इसके अंदर डालेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट एक चम्मच भर के अदरक लहसुन का पेस्ट चला गया चलिए ये बहुत टेस्टी बनी थी वाइट वाली काफी अच्छी लग रही थी अभी मैंने ली थी दो से तीन हरी मिर्चे हमें इसे थोड़ा सा कूट लेना है कूट के इसमें डाल देना है ना या आप चॉपिंग से भी चॉपिंग करके भी डाल सकते हैं अभी इसमें जाएगा अमूल फ्रेश क्रीम एक चम्मच भर के है ना आप दो चम्मच डाल दीजिएगा चलेगा अभी इसमें डालूंगी मैं चाट मसाला पाउडर एक चौथाई हाँ। मसालों पे आप ध्यान दीजिए अच्छे से अभी इसके अंदर डालूंगी मैं जीरा पाउडर आधा चम्मच बराबर बोल बराबर बोलिए ना बराबर। अभी ये मैं डालूंगी आधा चम्मच व्हाइट पेपर पाउडर व्हाइट पेपर पाउडर अगर आपके पास में नहीं है तो आप इसकी जगह पे काली मिरी पाउडर भी आधा चम्मच डाल सकते हैं चलिए हो गया अभी इसमें जाएगा नमक एक चौथाई नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालिए आधे नींबू का रस डाल देंगे चलिए अभी कितना अच्छे से बोल रही पहले पहले स्टार्टिंग में थोड़ा रही थी इसमें भी जाएगा हमें टेंडर पाउडर आधा चम्मच है ना चलिए टेंडर पाउडर भी हमने इसमें डाल दिए अभी इसमें डालेंगे दही तो एक चम्मच भर के हमें दही इसमें ऐड कर दी है ना सारी चीजें अब इसमें चली गई है अभी इसमें जाएगा एक दो चम्मच भर के मलाई टिक्का मसाला हा मलाई टिक्का मसाला अगर आपके पास है तो डालिए नहीं है तो आप इसे स्किप भी कर सकते जो मैंने सारे मसाले डाली उसके साथ में भी अगर आप बनाएंगे तो अच्छा बनेगा और आपको मलाई टिक्का मसाला चाहिए तो कोई भी शॉप पे आपको मिल जाएगा जहाँ पे म, मसाले मिलते हैं ना हाँ। वहाँ पे नहीं मिला तो ये मैंने क्राफिक मार्केट से ली हूँ कहाँ से ली हूँ अगर आपको इसकी वीडियो देखनी है तो मेरे अफरोज रेसिपी ब्लॉग पे मौजूद है तो क्राफिक मार्केट वीडियो डालेंगे तो आपको आ जाएगा मार्केट ब्लॉग तो आ जाएगा आ जाएगा तो चलिए अभी चिकन को हम इसमें मसाले में मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से मिक्स करना है उसके कट में भी मसाले अच्छी तरह से जाना चाहिए चलिए अभी हम इसे भी रख देंगे आधे से घंटे के के लिए मैरीनेट के लिए मैरिनेट बराबर आसिफ चलिए अभी बना लेंगे हम ग्रीन वाली हाँ। तो ग्रीन वाली के लिए मैं ले रही हूँ यहाँ पे एक चम्मच भर के दही ग्रीन वाला क्योंकि एक ही पीस है ना इसलिए मैं कम बना रही हूँ तो एक चम्मच दही मैं इसमें डाल लूंगी सारा दही खत्म हो गया अभी इसमें जाएगा एक चम्मच भर के अमूल फ्रेश क्रीम माशाअल्ला बरोबर डालती जा रही हूँ आज बरोबर हाँ। रही हूँ अभी इसमें डाल दी मैंने आधा चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट चलिए अभी हम इसमें डालेंगे हाँ हरी मिर्ची आधा चम्मच दरदरी सी कुटी हुई इसमें जाएगा एक चम्मच भर के हरियाली टिक्का मसाला हरियाली टिक्का मसाला अगर आपके पास है तो डालिए ना तो स्किप कर, कर दीजिए काली मिरी पाउडर आधा चम्मच है ना इसमें जाएगा जीरा पाउडर एक चौथाई चाट मसाला पाउडर एक चौथाई डब्बा खत्म हो गया चलिए अभी हम इसमें डालेंगे टेंडर पाउडर एक चौथाई डालेंगे क्योंकि ये एक ही पीस है चलिए है ना अभी इसमें जाएगा हल्का सा नमक नमक अपने टेस्ट के हिसाब से डालिए आधे नींबू का रस आधे लींबू का रस नहीं डालूंगी थोड़ा कम डालूंगी बाकी का बचा लूंगी क्योंकि एक ही पीस है ना चलिए अभी सारे तमाम मसाले इसमें डाल दिए अभी इसमें जाएगा ग्रीन फूड कलर ग्रीन फूड कलर डालना ऑप्शनल है अगर आपको पसंद है तो डालिए नहीं तो ये स्किप कर दीजिए मगर ग्रीन कलर डालेंगे तो ये ग्रीन दिखेगा अभी इसमें जाएगा आधा चम्मच ऑयल अभी इसे खूब अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे एकदम अच्छी तरह से ये देखिए मज़ेदार ग्रीन कलर रेडी हो चुका है ना तो चलिए अभी हम क्या करेंगे जो हमारी चिकन की लेग पीस रखी है वो इसमें डाल देंगे और मसाले खूब अच्छी तरह से इसमें लगाएंगे अच्छे से मसाले ही चिकन में लगाना हाथों से तो इसके कर्ट कर्ट में भी हमारे मसाले जाना चाहिए चलिए अभी इसे भी रख देंगे आधे से एक घंटे के लिए आधे से एक घंटे के बाद में आप लोगों को मिलती हूँ है ना तो बाकी का जो काम है वो काम कर लूंगी उसके बाद में फिर मैं इसे पकाने के उसे इसे कैसे पकाना है वो मैं आप लोगों को बता दूंगी तो चलिए अभी बाकी का काम कर लेती हूँ सारे किचन के ऊपर के पसारे हटा देती हूँ तो ये देखिए माशाल्लाह तीनों को मैंने कम से कम एक घंटा मैरिनेट के लिए रखी थी और इसमें से सबसे ज्यादा टेस्टी बनी थी व्हाइट वाली व्हाइट वाली ज्यादा टेस्टी बनी थी चलिए अभी हम ले लेंगे एक फॉइल पेपर क्या बोलते हैं सिर्फ इसको फॉइल पेपर फॉयल पेपर ले लेंगे फॉइल पेपर को एक बड़े साइज में हमें कटिंग कर लेना ये देखिए ऐसे अभी इसके ऊपर हम बीच में एकदम बीचों बीच एक पीस को रख देंगे और एक पीस रखने के बाद में इसके ऊपर हम पीस के ऊपर सारे मसाले लगा लेंगे आधा चम्मच ऑयल डाल देंगे और फॉइल पेपर से हमारे चिकन को हम कवर कर लेंगे ये देखिए अच्छे से कवर करना है क्योंकि जब हम इसे वाफ देंगे तो इसका मसाला बाहर नहीं निकलना चाहिए इतना अच्छे से हमें इसे कवर कर लेना है चलिए अभी ये वा, कौन सा कॉलर है रेड वाला Red वाला हो चुका है अभी हम डालेंगे इसे एक प्लेट में रख देंगे और इसे रख देंगे एक में ऐसे ही करके हमें दोनों भी पैक कर लेना है व्हाइट वाला, वाला भी हाँ व्हाइट वाला भी ग्रीन वाला भी तो चलिए अभी फिर एक फॉइल पेपर ले, ले लेंगे उसके ऊपर हम रखेंगे व्हाइट वाला और व्हाइट वाले के ऊपर भी फिर ये मसाले ऊपर से लगा देंगे अच्छे से और थोड़ा सा डालेंगे ऑयल अभी इसे भी हम पैक कर लेंगे देखिए मैं कैसे पैक कर रही हूँ और आप इस तरह से बनाएंगे ना आपका इतना सा भी मसाला वेस्ट नहीं होगा सारा मसाला आप खा सकते हैं और रोटी के साथ में भी खा सकते हैं या आप इसे राइस के साथ में भी खा सकते हैं इतना टेस्टी बना था ना अभी इंशाल्लाह मैं दूसरी बार भी ऐसे ही बनाऊंगी चलिए अभी अभी बना लेंगे ग्रीन वाला तो ग्रीन वाला भी फॉइल पेपर पे रख देंगे उसके ऊपर सारे मसाले डाल देंगे और इसे भी हम कवर कर कर लेंगे और ये जो मसाले मेरे बाकी के जो प्लेट में बचे हैं ऑयल डाल देंगे इसके ऊपर भी आधा चम्मच जो मसाले मेरे बचे हैं ना उसे मैं एक डब्बे में भर के फ्रिज में रख दूंगी मैं लास्ट में आपको बताऊंगी कि वो मसालों का मैं क्या करने वाली हूँ तो चलिए अभी ये सब पैक हो चुका है अभी मैंने रखी हूँ गैस के ऊपर एक टोप ये देखिए तीनों यहाँ पर रेडी हो चुके हैं और एक एक पीस हम लोग आधा आधा खाई तो ही हमारा हाँ, पेट भर गया, गया। चलिए यहाँ पे गैस ऑन कर दी उसके ऊपर रखी हूँ एक टोप टोप में मैंने रखी हूँ पानी गर्म होने के लिए कम से कम दो लीटर पानी मैंने गर्म होने रखी हूँ अभी एक छन्नी ले लेंगे उसके ऊपर हल्का सा ऑयल लगा लेंगे और ये छन्नी को हम रख देंगे इस टोप के अंदर है ना ये ऐसा रखना है कि ये छन्नी और पानी टच नहीं होना चाहिए हाँ। इतनी दूरी पे रखना गैप है गैप अभी ये सारे चिकन के जो पीस है जो हमने फॉइल पेपर में लपटे हुए हैं वो इस छन्नी में रख देंगे अच्छे से बराबर से रखना अभी उसके ऊपर रख देंगे ढक्कन गैस को हम ना एकदम हाई पे भी नहीं रखेंगे एकदम स्लो पे भी नहीं रखेंगे मीडियम पे रखेंगे अभी इस ढक्कन ढक्कन के ऊपर एक भारी वजनदार चीज को रखेंगे ये देखिए मैंने रख दी ना इससे क्या होगा वाफ बाहर नहीं आएगी और हमारा चिकन भी अच्छे से गल जाएगा हमें कम से कम आधे घंटे के लिए रखना आधे घंटे में हमारा चिकन रेडी हो जाएगा बाकी का जो चिकन है वो मैं रख दूंगी अवन में।, में।, तो ये मैंने फॉइल पेपर हमारे जो अवन की क्रे होती है उसके ऊपर लगा चुकी है और ये चिकन के पीस मैंने उसके ऊपर रख दी उसके ऊपर डालूंगी थोड़ा सा ऑयल ये देखिए ऑयल में डाल देती हूँ अच्छे से ऑयल डाल देंगे और इसे मैं कैसे रखूंगी वो भी आपको बता देती हूँ मगर दोनों भी अच्छे लग रहे थे आवन वाले भी अच्छे लग रहे थे और वाफ वाले भी अच्छे लग रहे थे है ना तो चलिए अभी ये कितना मिली चालू करके चालीस मिनट के लिए रखे दोनों दो रोड चालू करके डिग्री सेल्सियस पे चलिए अभी हाँ ये भी मैंने आधे घंटे के लिए रखी हाँ। वो भी आधे घंटे के लिए रखी अब ये जो मसाले बच गए ये सब मसालों को क्या करूंगी मैं फेंकूंगी नहीं ये सब मसालों को एक ही डब्बे में कर दूंगी पूरा एक कर दूंगी है ना अभी इसको मैं कल बनाऊंगी इसके अंदर मैं चाप डाल के बनाने वाली हूँ चाप के अंदर इसको सब डाल के गड़बड़ घोटाला बना दूंगी अच्छा बनेगा चलिए वो सब फ्रिज में रख दी एक तरफ मैंने कोयला गर्म होने के लिए रखी हूँ अभी यहाँ पर आके हम देखते हैं यहाँ पर हमारा चिकन पका है क्या एक बार मैंने इसे अलट पलट भी कर ली थी है ना अलग पलट कर रही हूँ अभी नहीं अलग नहीं, पलट, पलट करके कर हो कर गया एक बार आप इसे अलग पलट भी कर लेना तो चलिए अभी मैं आपको खोल कर बता दी ये देखिए इसके अंदर पूरे मसाले अंदर ही थे माशाला चिकन तो ऐसा गल गया था जैसे उठा रही तो हड्डी में से घोष अलग हो रहा था तो ये देखिए अभी ये इसके अंदर जो नीचे मसाला है वो मसाले को वैसे ही रहने देना आप रोटी से खा लेना मगर इस इस चिकन को हम एक चुमटे की मदद से पकड़ के इसे अच्छी तरह से हम गैस के ऊपर सेक लेंगे यानी जैसे तंदूरी दिखनी चाहिए ना देखिए अलट पलट करते हुए हमें थोड़ा हल्का सा बटर लगा के इसे घेस के ऊपर सेक लेना है ये देखिए मैंने सेक ली और सेक के रखने के बाद में फिर इसके ऊपर बटर लगा ली अभी वो हो गया अभी ग्रीन वाले की बारी आती है ये देखिए ग्रीन वाले का मसाला कितना अच्छा उसके अंदर ये ग्रीन वाले को भी हम अलट पलट करके अच्छी तरह से सेक लेंगे सेकने के समय आप थोड़ा सा बटर या ऑयल लगा देना उससे अच्छे से वो सेके जाएगा है ना आसिफ बराबर चलिए ये भी हो गया इसे भी मैं रख देती हूँ अब ये मुर्गी की टांग आ गई थी कौनसी वाली मतलब दो राइट साइड की थी और एक लेफ्ट साइड की थी <laughs> मुर्गी को दो ही टांगी नहीं रहती है, दो टांग, रहती है हाँ, दो, रहती दो टांग की थी ना, लेकिन दो तुम टांग वाली देते, देते। समझी नहीं मैं जान दो नहीं समझी चलो अच्छा तो चलिए अभी वो हो गई अभी हम ले लेंगे ये

प्याज का लच्छेदार प्याज और लींबू रखी हु तो ये पांच मिनट तक का मैंने इसे कोयले का वाफ दी उसके बाद मैं इसे हटा दी ये हमारी तिरंगा तंदूरी बनकर रेडी हो चुकी है गाइस मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कि आप लोगों को मेरी रेसिपी कैसी लगी है ना और आप लोग ये बनाएंगे तो मुझे फोटो जरूर भेजना इन तीनों में से कोई भी एक भी बनाएंगे तो भी मुझे फोटो भेजना आ, है ना बहुत ही सिंपल और इजी तरीके से मैंने आपको तिरंगा तंदूरी बनाना बताय है ना तो इस तरह की अच्छी अच्छी रेसिपी की वीडियो देखने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए फिर मिलती हूँ आपको एक अच्छी सी रेसिपी के साथ में जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ मैं आज आपको खाकर नहीं बताने वाली क्योंकि मुझे बहुत सारा काम था मैंने शूट कर दी और बाकी में, बाद में मैंने काम करने लगी मैं घर की साफ सफाई की वीडियो रही है तो आपको अफसोस रेसिपी